बड़ी खबर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और विस्तार से जानकारी बताने के लिए हमारे साथ ऑलरेडी तरुण मौजूद है। तरुण बताइए क्या है खबर। बिल्कुल, फिस्कल 23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का अभी तक का सबसे बड़ा कलेक्शन सीबीडीटी ने किया है। सीबीडीटी ने 16.6 लाख करोड़ का कलेक्शन 31 मार्च तक किया है, और जो कि अभी आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी सेंट्रल टीडीएस और बैंक की छुट्टी होने की वजह से कुछ अकाउंट्स के अभी टैक्स आना बाकी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 16.20 लाख के आसपास ये कलेक्शन रह सकता है, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट से 34,000 कम है, क्योंकि रिवाइज एस्टीमेट 16.5 लाख करोड़ था, जिसमें से अभी 16.16 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। वहीं जो कॉरपोरेट टैक्स है उसमें 8.24 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और पर्सनल इनकम टैक्स में 7.63 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है। और ये जो टैक्स कलेक्शन है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है। एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक कंफर्टेबल स्टेज है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल के मुकाबले करीबन 15.9% की बढ़ोतरी देखी गई है ये नेट टैक्स कलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ये कुशन यहाँ पे सरकार को जरूर मिलेगा, क्योंकि इससे हमारा जो फिस्कल डेफिशिट है उस पर सीधा सीधा असर होगा। और वहीं अभी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद अगले दो से तीन दिन में और है, क्योंकि 1 तारीख को बैंक्स बंद रहते हैं और 2 को संडे था। तो आज और नंबर इसमें जुड़ेंगे, जो कि एक कंफर्टेबल स्टेज गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे। बिल्कुल, तो और आंकड़े यहाँ पर जुड़ते नजर आएंगे। शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।